स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। गाइज, इसके पहले हमने देखा था मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या चाहते थे कि रैम में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस लेकर आए ताकि एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाए और जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो सेकंड प्रोसेस को क्या हो, हमारा सीपीयू मिल जाए। ठीक है, मतलब मेन क्या फोकस कर रहे थे हम कि सीपीयू आइडियल ना बैठे, सीपीयू फ्री नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब सीपीयू बहुत फास्ट डिवाइस होता है जो बहुत जल्दी जल्दी हमारे एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करता है या हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या था मल्टी प्रोग्राम्ड में कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस रैम में लाए ताकि हम सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन कर सके और सीपीयू की आइडियलनेस को कम कर सके। ठीक है, लेकिन यदि हम मल्टी टास्किंग इन्वायरमेंट की बात करें या मल्टी टास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये प्रिमिटिव काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, प्रिमिटिव मीन्स कि यदि सपोज एक प्रोसेस मैंने मेरे सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए दी तो क्या होगा कि यदि सपोज मेरे रैम में 5 प्रोसेस है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि एक प्रोसेस सीपीयू के पास आई, कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद टर्मिनेट हुई, उसके बाद दूसरी प्रोसेस सीपीयू में आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में होता था। ठीक है, कि कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद ही दूसरी प्रोसेस हमारे सीपीयू में आती थी एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, इसमें हम पहले टाइम क्वांटम दे देंगे, मतलब टाइम स्लॉट डिसाइड कर लेंगे कि यदि मेरे पास 5 प्रोसेस मेरे रैम में है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट प्रोसेस को 2 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट करूंगी, यदि उसका बर्स्ट टाइम बच जाता है फिर भी मैं सेकंड प्रोसेस को सीपीयू दे दूंगी, फिर वो मेरा 5 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड प्रोसेस जो आएगी फिर वो 5 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगी, मतलब सारे प्रोसेस को सेम टाइम के लिए सीपीयू मिलेगा जिससे रिस्पॉन्स टाइम हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या चाहते हैं, हमारा मेन इसमें पर्पस क्या है मल्टीटास्किंग में कि हमारा जो सीपीयू था, ठीक है, वो जल्दी रिस्पॉन्स करे। ठीक है, क्योंकि यदि सपोज 5th नंबर का जो प्रोसेस है, यदि सीपीयू जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो 5th टाइम की जो प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा सीपीयू का। ठीक है, और अपने एग्जीक्यूशन कर, अपनी इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं इसमें कि हाँ इसमें भी सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास में ऑलरेडी है, तो वो क्या करते रहेगा, एग्जीक्यूशन करते रहेगा प्रोसेस का। लेकिन मेन इसमें हम क्या चाहते हैं कि फास्ट रिस्पॉन्स मिले हमको सीपीयू का। ठीक है, सारे प्रोसेस को, ऐसा ना हो कि कोई प्रोसेस 5th नंबर की वेट करती रहे और स्टार्वेशन में चली जाए। ठीक है, इसलिए अच्छा मल्टीटास्किंग का मीन्स मतलब होता है कि हम एट अ टाइम मोर देन वन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम सिंगल रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे सपोज हम क्या करते हैं कि मैं अभी कुछ मेल टाइप कर रही हूँ या कुछ वर्ड प्रोसेसर का यूज करके कुछ वर्ड फाइल बना रही हूँ। ठीक है, और साथ साथ गाने भी सुन रही हूँ। ठीक है, मतलब मल्टीपल काम एट अ टाइम कर रही हूँ तो वो होता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, मतलब मोर देन वन टास्क हम एट अ टाइम कर रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पर परफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, हम एट अ टाइम एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें इसलिए ऐसा लगता है कि हमारा सीपीयू होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, हमारा प्रोसेसर कैसा होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो हमको क्या लगता है कि हम एट अ टाइम मल्टीपल वर्क या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पीछे क्या होता है बैकग्राउंड में, हम वो जो हम मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो सारे सिस्टम्स होते हैं मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं अब कि हमको बहुत ज्यादा वेट करना पड़े। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एट ए टाइम मल्टीपल वर्क एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो बैकग्राउंड में वो एट ए टाइम इतनी जल्दी स्विचिंग कर लेता है उसके वर्क के बीच में कि गाना भी प्ले कर रहा है और साथ में वर्ड प्रोसेसिंग की फाइल भी हमारी चल रही है। ठीक है, इतने उसका स्विचिंग हो जाता है कि यूजर को पता भी नहीं चलता है कि बैकग्राउंड में इतनी सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो ये होता है मल्टीटास्किंग का काम। ठीक है, इसलिए हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एनेबल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। ठीक है, रिड्यूस आइडलनेस। ठीक है, आइडलनेस इसमें भी रिड्यूस हो रही है और क्या इंप्रूव कर रहा है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। क्लियर है, तो ये हुआ हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।